नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और यहां पे दोस्तों एक नई भर्ती आपकी निकल के आ रही है डाक विभाग की तरफ से। आपके पोस्ट ऑफिस यानी कि दो प्रकार के पद हैं, बीपीएम और एबीपीएम। बीपीएम का मतलब है ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम का मतलब है असिस्टेंट पोस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो यहाँ पे दो प्रकार की भर्ती है, कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ मेरिट बेस पे भर्ती होने वाली, यानी कि जो आपके हाई स्कूल में जो आपके अंक होंगे, प्रतिशत होंगे, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके लिए ऑल इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी की मात्र 100 रुपये फीस है, बाकी सभी के फीस जो है फ्री है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और दिखाने वाला हूँ डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना, किस डेट तक भरा जाएगा, क्या एज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका नोटिफिकेशन। दोस्तों इससे पहले हम लोग नोटिफिकेशन शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो सभी प्रकार के नोटिफिकेशन है वो आपको स्वतः मिलते रहे, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से भर्तियां जा रही हों आप मिस ना करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्लियर है, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीजीएस के ऑनलाइन जो है एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023। डेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 20 मई को दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर यूनाइटेड फॉर द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, और आपका एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, दो प्रकार के इसमें दोस्तों आपके पद हैं, ठीक है। नीचे आप बात करेंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का जो डेट आपका शुरू है वो आपका 22/5/2023 से लेकर 11 जून तक भरा जाएगा। या अगर कोई गलती होती है तो एडिट और करेक्शन का जो फाइल वो 12 जून से 14, दो दिन का टाइम दिया जाएगा अगर फॉर्म में आप कोई गड़बड़ी कर देते हैं तो, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे बीपीएम की बात करेंगे, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 से लेकर 29,380 रुपये सैलरी मिलने वाली है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 10,000 से लेकर 24,470 रुपये प्रतिमाह मिलने वाली है। अब बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों आगे कि आपका सिलेक्शन जो मेन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल मेरिट बेस पे है, कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, और आपका इस पे दोस्तों जो योग्यता वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए एज की सबसे पहले बात कर लेते हैं, 18 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 11/6/2023 से जो है आपको कैलकुलेट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th, ठीक है, यानी कि 10th पास आपका मैथ इंग्लिश से होना चाहिए, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका यानी कि 10वीं क्लास में होना कंपलसरी है, क्लियर हो गया। बाकी जहाँ के लिए आप फॉर्म भरे उसकी लोकल लैंग्वेज, जैसे उत्तर प्रदेश को तो हिंदी हो गया, मध्य प्रदेश में हिंदी, दिल्ली में हिंदी, महाराष्ट्र का भर रहे तो मराठी, इस तरह से ये आना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए, क्लियर हो गया। आप देखिए रिजर्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन है सीट वाइज वो भी मैं दिखाऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो द एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। मैंने जैसा कि बताया था आपको, बिल्कुल आपका जो है ये जो भर्ती है मेरिट लिस्ट पे होगी। ये देखिए इस समय आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, तो द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन कन्वर्जन ग्रेड पॉइंट मार्क्स, ठीक है, 10th, यानी कि दोस्तों आपको जो 10th में आपका जो नंबर आप पाए होंगे उसी का जो परसेंटेज बनता है उसी बेस पे सिलेक्शन होगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये आपका CGPA वाले जो CBSE और ICSE बोर्ड वाले हो उनका इस तरह से ये होगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना, परसेंटेज में ही भरना है आपको, तो ध्यान रहे जिसका CBSE बोर्ड है, ठीक है, CBSE, ठीक है, और ISE, वो जो पॉइंट में नहीं भरेंगे, CGPA में फॉर्म नहीं भरेंगे, वो कन्वर्ट करके परसेंटेज में ही फॉर्म भरना है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो परसेंटेज बेस पे ही बनेगी, क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से दोस्तों आपकी भर्ती है, क्लियर हो गया। अभी देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ, जरूरी चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दी है, लेकिन और भी चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, और इस पर मेरे ख्याल से अब कोई ज़रूरी चीज़ें इसमें बची नहीं है। आप देख पा रहे फॉर्म वगैरह में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो देखिए आप जो है इस पर आपका हाई स्कूल की मार्कशीट के लिए निवास लगेगा, जाति लगेगा, ठीक है, आधार लग जाएगा, फोटो लगेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई कंपलसरी नहीं है। और ये इस तरह से लगभग पूरा मैंने दिखा दिया आपको, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए मैंने जैसा कि बताया हाई स्कूल की मार्कशीट हो गया, EWS कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमोसाइल हो गया, डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल के लिए आपका जो है, तो ये इस तरह से देखिए रहा दोस्तों आपका नोटिफिकेशन। फॉर्म आपको कैसे भरना है मैं आपको थोड़ा वेबसाइट पर ले चलता हूँ, थोड़ा चलेंगे बैक, चलने के बाद सीधा यहाँ पे हम क्या करेंगे, गूगल ऑफ इन फोन पे ओपन करेंगे, गूगल यहाँ पे ओपन करने के बाद टाइप करेंगे यहाँ EDS पोस्ट ऑफिस,
अभी ये इस तरह से क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे इंडिया पोस्ट ऑनलाइन आप देखकर पहले वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे सामने ओपन होगी। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है, इसका सर्वर डाउन चल रहा है क्योंकि फॉर्म यहाँ पे दोस्तों भरे जा रहे हैं बराबर, और सर्वर थोड़ा दोस्तों इसका डाउन है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसको ओपन होने देते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका जो साइट है वो ओपन नहीं हो रहा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, यानी कि दोस्तों इसका सर्वर डाउन है और ये ओपन नहीं हो पा रही है। लेकिन जब भी आप फॉर्म भरेंगे आपको इसी वेबसाइट पे आके बनना जा रहा, रजिस्ट्रेशन वाले में एक बार क्लिक कर लेते हैं, ये यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे, चलिए इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं, सेम साइट खुल रही है, इसलिए हमने पहले से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया था दोस्तों। अभी देखिए साइट बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही है, देखिए इस तरह से कोशिश तो हम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपका वेबसाइट है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, हाँ ओपन हो गई दोस्तों, ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं झटके में ओपन हो गई है। तो यहाँ पे देखिए आपको फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, अपना नाम डाल देना है, फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेल यहाँ पे दोस्तों जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है, ओबीसी जनरल जो भी कैटेगरी ले लेना है, हाई स्कूल आपका पास की है वो भर देना है, किस बोर्ड से पास की है ये कैप्चा डालना, सबमिट कर देना है। ये तो आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना होगा। देखिए बैक चलेंगे तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि आपको नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके दिखा दें, तो इसके लिए थोड़ा सा बैक चलते हैं दोस्तों। ठीक है, बैक आने के बाद हमको पूरा डिटेल्स देखने के लिए इस वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। तो थोड़ा हाँ, ये इस तरह से साइट ओपन होने लगी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड जनवरी 2023 तो डायरेक्ट लिंक ऑन स्टेप टू, यानी कि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप स्टेप टू वाले पे सीधा जाएंगे, नहीं तो नया भरेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए अंडर अनबैंक विलेज, ठीक है, 22/5/2023 लेके 11/6/2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, फॉर्म आपको नया कहाँ से भरना, तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, वो आप लोगों को डाउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नाउ इसमें नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, डाउनलोड आईएन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से आप देख रहे हैं जो अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन दिखाया था, ये इस तरह से देखिए पूरी तरह से आपके सामने दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। क्लियर हो गया, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, ये इस तरह से डाउनलोड हो चुका है। क्लियर है, तो इसको मैंने दिखा दिया है। अगर आपको इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फॉर्म कैसे भरना, चलिए बैक आ गए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा वेट करेंगे, सर्वर थोड़ा सा दोस्तों इसका डाउन चल रहा है, इसलिए आप जैसे फ्री हो तो जल्द से जल्द इसको भर लें क्योंकि इसका सर्वर दोस्तों डाउन चल रहा है इस समय। और ये देखिए इस तरह से ओपन नहीं हो रहा है और चीज़ें ये निकल के आ रही हैं कि आपका जो है जो फॉर्म है वो आपका 11 तारीख ही भरा जाएगा, 11 तारीख तक नहीं भरे तो ये आपका जो है समाप्त हो जाएगा। तो आप इसको जल्द से जल्द भर लें। ये देखिए फिर से सर्वर आपका डाउन हो गया है, ये फिर से ओपन हो गया, ये रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन देखिए आपका ओपन हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर क्या करेंगे, स्टेप टू इस वाले में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन वाले पे आ जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना डिटेल जो ये ओपन होगा, यहाँ पे देखिए अपना डिटेल भरेंगे जो रजिस्ट्रेशन करे रहेंगे, यहाँ पे साइकिल सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, फॉर्म इस तरह से भर पाएंगे। तो वैसे मैंने डिटेल में भी एक वीडियो बना दिया था कि इसका फॉर्म कैसे भरें, अगर आप नहीं भर पा रहे खुद से तो उस वीडियो को जाके इसी चैनल पर देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये रही भर्ती की अपडेट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलते रहे, आपको खोजने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े दोस्तों। चलिए दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करेंगे, जय हिंद जय भारत।